शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। अगस्त में सारे जनपद वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में जनपद आजमगढ़ विकास की ऊंचाइयां छुए और लोगों में सौहार्द कायम हो, जो छोटे छोटे मामलों में कटुता और विवाद रहता है वो खत्म हो। मेरी सारे जिले के सारे अधिकारियों से और सारी जनता को आपकी जनपद आजमगढ़ को आजमगढ़ की पुलिस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और यहाँ की पुलिस जो है यहाँ की जनता की निरंतर मदद के लिए और अपराधों पर रोकथाम के लिए तत्पर है, और यहाँ के लोगों से भी हम लोग ये अपील करेंगे कि जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए स्व भारत में स्वतंत्रता संघर्ष लंबे समय तक चला और स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, कहीं ना कहीं उसके मूल्यों को ध्यान में रखें और उसी तरह का कृत्य हम लोग करें जिससे कि एक अच्छा संदेश जाए। एक बार पुनः जनपद को और अन्य हमारे मीडिया बंधु सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर आजमगढ़ जनपद के समस्त निवासियों को परिवहन विभाग की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा जनपद के निवासियों को परिवहन विभाग की ओर से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो सुरक्षित यात्रा करें, दो पहिया वाहनों में हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग करें, वाहनों के कागज दुरुस्त रखें और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। जनता जब स्वयं जागरूक होगी और नियमों का पालन करेगी और जो सुरक्षा के मानक बनाए गए हैं उनका पालन करेगी तो इससे दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगेगी होगी, और किसी प्रकार की छोटी मोटी दुर्घटना होने पर भी जन हानि नहीं होगी। जी, पुनः सभी जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से सभी जनपद एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी हमें बड़े संघर्षों के बाद मिली है। कुछ लोग हमारे सोसाइटी, हमारे देश का माहौल खराब और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना होगा और उनके सामने भाईचारे के साथ साथ देश में फैल रही बुराई से लड़ना होगा, तब कहीं जाकर हम पूरे तरीके से आज़ाद हो पाएंगे, जिसका सपना हमारे फ्रीडम फाइटर ने देखा था। मैं पुनः सेंट्रल पब्लिक परिवार की ओर से जनपद और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदुस्तान को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले माँ भारती के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप समस्त जनपदवासियों को 71वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र ने अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। मंगलवार को जब लोगों ने आंखें खोली तो रिमझिम फुहारों के चलते मिट्टी से उठती सोधी सुगंध ने रोम रोम में धरती के प्रति प्रेम व अनुराग घोल दिया। चारों तरफ गूंजते देशभक्ति के तराने, हर तरफ तिरंगा लिए कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जाते बच्चे, बड़े व बूढ़े, माहौल को और भी ज्यादा सजा सवार व निखार रहे थे। प्रभात फेरी ले निकली बच्चों व स्कूलों की टोलियां आजादी के जश्न के शुभारंभ होने की मुनादी कर रही थी। प्रभात फेरी में नगर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने शिरकत किया। समूचे नगर क्षेत्र का भ्रमण कर उन्होंने गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के उनके द्वारा लगाए जा रहे नारों से समूची धरा व पूरा गगन गुंजायमान हो उठा।
जिले के होमगार्डो ने भी स्वतंत्रता दिवस पर प्रभात फेरी के माध्यम से जन जागृति यात्रा निकाली। अपनी इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। प्रभात फेरी के बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हुआ। मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त के रविन्द्र नायक ने ध्वजारोहण किया। कमिश्नरी के कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की उन्होंने शपथ दिलाई। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के उपरांत उन्होंने अपने संबोधन में आजादी के महत्व और मायने के बारे में विस्तार से बताया। क्या खोया हमने? जो खोया है उसे भरपाई करना संभव नहीं है। नवनिर्मित नवीन कलेक्ट्रेट भवन का पहला स्वतंत्रता दिवस काफी खास रहा। यहां जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने राष्ट्र ध्वज फहराया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय लालचंद तिवारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने देश की आजादी के लिए किए गए उनके योगदान को नमन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सहनी ने पुलिस लाइन में राष्ट्र ध्वज फहरा यहां आयोजित कार्यक्रमों की शुरुआत की। Thank you.
पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने के उपरांत बेहतर पुलिस सेवा करने वाले जवानों और अपराध नियंत्रण में सहयोग करने वाली जनता को उन्होंने सम्मानित किया। हाँ ले गया हूँ तो घर घर पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने बताया कि समारोह के जरिए कुल 54 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिनमें 44 पुलिसकर्मी और 10 आम नागरिक सम्मिलित हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 54 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 44 पुलिसकर्मी और 10 जनता के व्यक्ति जिन्होंने समय समय पर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस का सहयोग किया है, उनको आज यहाँ पुलिस लाइन में सम्मानित किया गया है। पुलिस कर्मियों में जो विशेष रूप से सम्मानित किया गया है, आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जनपद में की जा रही है, और उसी के उपलक्ष्य में जो पुलिसकर्मी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, कुछ मुठभेड़ भी हुई, उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा जो डायल 100 के वाहन चल रहे हैं, PRV वाहन, उसमें तत्काल मौके पर पहुंच के पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने में जो हमारी टीमें रही, जिन्हें इवेंट ऑफ द डे भी उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया था, मतलब उस दिन उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम उस टीम ने किया ऐसा माना जाता है मुख्यालय द्वारा, उन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं उन अमर शहीदों को नमन करती हूँ जिनके प्रयास से हमें आजादी मिली है। आप सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि कृपया चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत। सभी जनपदवासियों को लाइफलाइन परिवार की तरफ से इस 70वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध हर व्यक्ति से है कि कृपया इस स्वाधीनता दिवस के मौके पे अपने इस दिशाहीन हो रहे लोकतंत्र के बारे में सोचने के लिए 5 मिनट जरूर निकालें और अपने देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ हो सकता है अपनी परिस्थितियों में करने की कोशिश करें, ताकि हम लोग फिर से एक गणतंत्र, जनतंत्र और एक लोकतंत्र की जो भावनाएं हैं हम लोग उसे बचा सकें और अपने देश और समाज को बेहतर बना सकें। धन्यवाद। हमारे सभी सम्मानित नगरवासियों, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक कर्मठ, अनुशासित, शालीन, ईमानदार भारत बनाएं, और हम अपने को खुद ऐसा बनाएं कि देश हम पे फक्र कर सके। तो आइए इस बार से ही ये प्रण लें कि अब हम सब देश के लिए कुछ करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है। एक बार पुनः रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर परिवार की तरफ से सभी सम्मानित नगरवासियों को एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। साथियों, इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मसले पर हमें बहुत सारे काम करने हैं। जो सरकारें चुन के आ रही हैं, अभी उनके सामने भी ये एक चुनौती के रूप में 3 विषय खड़े हैं। इसमें पूरे देश के नागरिकों को सहयोग करके शिक्षा के विषय पर, स्वास्थ्य के विषय पर
और रोजगार के विषय पर बहुत ढेर सारे काम करने हैं। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं का भाव, स्वर व संकल्प एक बार फिर देश की भावी पीढ़ी ने धारण किया। देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के साथ आकर्षक कार्यक्रमों के जरिए विविधता के बीच मुस्कुराते भारत की तस्वीर बखूबी पेश की। जी हाँ, विद्यालयों में आयोजित हुए भव्य कार्यक्रमों के जरिए ये तस्वीरें सामने आईं, जहां जश्न आजादी के अवसर पर विविध रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जाफरपुर क्षेत्र स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में विद्यालय के प्रबंधक अयाज अहमद खान ने ध्वजारोहण किया। उप प्रबंधक नवाज अहमद खान, प्रिंसिपल रेखा सिंह की उपस्थिति में विद्यालय के बच्चों ने आकर्षक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे जश्न आजादी में चार चांद लगाए। स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ विद्यालय के बच्चों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर अद्भुत रूप सज्जा व झांकी का भी निरूपण किया। वहीं दूसरी तरफ हरबंसपुर क्षेत्र स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने ध्वजारोहण किया। उनके साथ विद्यालय के सलाहकार आर आर यादव, प्रिंसिपल कंचन यादव, इंचार्ज संगीता शाही मौजूद रहीं। राजगान व झंडा गीत के उपरांत रंगारंग कार्यक्रमों की मोहकता ने समा बांध दिया।
सिदारी मऊ रोड स्थित डालिम सनबीम स्कूल में विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने राष्ट्रध्वज फहराया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाकर राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। विद्यालय की डायरेक्टर उषा खंडेलिया व असिस्टेंट डायरेक्टर अमित ढढानिया के नेतृत्व में विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति के विविध कार्यक्रमों के जरिए आजादी के जश्न को बढ़ाने का काम किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर, वर्षगांठ पर, आप सभी को, विशेषकर छात्रों को, अभिभावकों को, अध्यापकों को, जनपद वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना। विशेष रूप से हम इस अवसर पर अपने उन शहीदों को नमन करना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे, श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, जिसकी वजह से आज हम सब इस स्वतंत्रता दिवस को एक साथ मिलकर मना रहे हैं। भारत की प्रगति में इस प्रकार से आज के समय में हम सब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारा ये निवेदन है उन अभिभावकों से, छात्रों से, जनपद वासियों से कि अपने देश, प्रदेश और जनपद के विकास के लिए हम सब इसी तरीके से प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। डैलिम्स परिवार की तरफ से समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की शुभकामना। आज के दिन ही आजाद हुए और हम अपने बच्चों को ये बताने का प्रयास करेंगे कितनी कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी इसको स्वतंत्र कराने में। देश का विकास भ्रष्टहीन समाज कैसे निर्मित हो सकता है। पुनः जनपद वासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। प्लेजेंट हार्ट वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माय सिटीजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे। Apart from this, I would also like to congratulate all my citizens of not only district Azamgarh but also of this whole country on the completion of 75 Bharat Chodo, 75 years of Bharat Chodo Andolan started by Mahatma Gandhi. Feel I would like to convey or give a suggestion to each and everybody of this country that we should be feeling free by our heart in that freedom of speech as well, maybe that freedom of ideas should be there. Springdale School Azamgarh ki taraf se sabhi bachchon, abhibhavakon, shahar vasiyon ko 15 agast swatantrata divas ki hardik shubhkamnaen. Is avsar par hum apne jo hamara bharatvarsh jiski wajah se jo hai aaj swatantrata prapt kiya hai, उन वीर शहीदों को भी यह पर्व हमें जो है याद करने के लिए बहुत ही मायने रखता है कि हम उनको किस प्रकार से वो हमको आजादी दिलाए, तो इस अवसर पर हम उन वीर शहीदों को भी जरूर याद करें।
स्वतंत्रता दिवस पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आजमगढ़ का जिला और पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट रहा। सोमवार को पूर्व संध्या पर ही शहर के रोडवेज, रेलवे स्टेशन, होटल, शॉपिंग मॉल समेत अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सीओसीटी सच्चिदानंद के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस देर रात तक मुख्य चौक व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चक्रमण करती नजर आई। सीओसीटी सच्चिदानंद ने एबीसी चैनल को बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, शांति व सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सजगता बरती जा रही है। लोग आपसी सौहार्द के वातावरण में स्वतंत्रता दिवस मनाएं, आपसी भाई और प्रेम का संदेश दें। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले से ही पुलिस गश्त कर रही है, हम लोग आश्वस्त हैं, हर तरफ नजर रखी जा रही है। कौन से जो है बस स्टेशन, रेलवेज, सभी मॉल्स और जितने होटल्स, रेस्टोरेंट हैं और ढाबा वगैरह है और दारू की दुकानें, इन सबकी चेकिंग जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जा रही है। डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम भी है हमारे साथ और हम लोग सघनता से चेकिंग कर रहे हैं और यही कोशिश है कि सुरक्षा जो है हर हालत में जो है जिले में कायम रहे। इसी के दृष्टिकोण जो है चेकिंग चल रही है, ये पूरी रात भर जो है अनवरत चलती रहेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। समस्त जनपद वासियों को, नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और निरंतर प्रयास करता हूं कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक का योगदान होना चाहिए और जो भारत हमारा आगे बढ़ रहा है विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ यह भारत, राष्ट्रवादी विचारधारा के सोच का आगे बढ़ता हुआ यह भारत निश्चित तौर से अपने मार्ग को पाएगा और एक न एक दिन हम भारत, सशक्त भारत और शक्तिशाली और समृद्ध पूर्ण भारत को विश्व के सामने रखेंगे। भारत के लोगों के लिए खुशी का दिन होता है, बहुत लंबी आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद ये मुल्क आजाद हुआ तो हम लोग 15 अगस्त को जश्न मनाते हैं और 14 अगस्त की आधी रात को अंग्रेजों को सात समुंदर पार किया गया था और उन शहीदों को, कुर्बानियों को भी हम याद करते हैं। हम सारे देशवासी जो हैं आज के दिन खुशी मनाते हुए देश की एकता अखंडता को अक्षुण रखने का एक संकल्प लेते हैं। 15 अगस्त को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, इसलिए मैं 15 अगस्त के मौके पे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पे आजमगढ़ की तमाम जनता को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दिल गहराइयों से देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के हमेशा देश की एकता अखंडता के लिए एक रहें। कहते हैं कि आजादी का असल मतलब तो वही समझ सकता है जो कभी परतंत्र रहा हो। पिंजरे में बंद पंछी जब बाहर निकलकर उन्मुक्त आकाश में पंख फैलाता है तो आजादी का एहसास होता है। शायद यही वजह है कि देश का हर नागरिक 15 अगस्त 1947 को शिद्दत से याद रखता है, जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से मुक्ति मिली थी। हर साल हर शख्स जश्न आजादी में शरीक हो जाता है। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस को पूरा आजमगढ़ राष्ट्रभक्ति के सागर में डूबा रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हवाएं, घटाएं, बादल और बारिश सभी आसमां से जमीन पर उतर आए हों। प्रकृति के साथ स्कूलों, कॉलेजों ने तो ध्वजारोहण, प्रभात फेरी से लगायत, देशभक्ति कार्यक्रमों का ऐसा गुलदस्ता सजा दिया था कि हर तरफ देश प्रेम का जज्बा हिलोरे ले रहा था। जरा देखिए आप भी कैसे छात्र छात्राएं सुबह 6:30 बजे ही शहर में प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, वह भी पूरे जोशो
खरोंच के साथ। शहर के करतालपुर बाईपास रोड स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल कैंपस में चेयरमैन घनश्याम दास अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। प्रबंधक गौरव अग्रवाल, डायरेक्टर स्वाति अग्रवाल और प्रिंसिपल विधान तिवारी के साथ छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने प्रभात फेरी निकाली। भारत माता की जय का जय घोष करते हुए बच्चों ने स्वच्छ भारत का संकल्प भी लिया। नगर के हीरापट्टी स्थित पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल डॉ ज्योति सिंह ने ध्वजारोहण किया। डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी छात्र छात्राओं शिक्षकों को स्वाधीनता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों की सच्ची घटनाएं सुनाई और कहा कि आजादी के लिए सेनानियों ने बहुत कुछ खोया, तब हम आज जाकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सांस्कृतिक समारोह की बारी आई तो बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों की भावपूर्ण प्रस्तुति की। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गीत पर तो खूब तालियां बजी। उधर मदर व्यूला स्कूल कैंपस में मैनेजर जस्सी ब्राडवे ने तिरंगा फहराया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने तिरंगे को सलामी दी और वीर शहीदों की याद में देशभक्ति के गीत गाए। Thank you.
टाइनी टॉट्स रैदोपुर में प्रिंसिपल नितिन गौड़ और डायरेक्टर जया गौड़ ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। समारोह में आए अभिभावकों ने भी अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलामी दी और सेनानियों के बलिदान को याद किया। इसी क्रम में शंकरनगर मुंडा में चल रहे बीबीएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रबंधक अरविंद पाठक और प्रिंसिपल श्रीमती नीलम श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद देशभक्ति के कई कार्यक्रम भी। नगर के पांडे बाजार में चल रहे स्प्रिंगडेल स्कूल में भी देश का 71वां स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रबंधक शरद राय ने झंडारोहण करने के बाद राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भाषण दिया। छात्र छात्राओं ने ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य शुभारंभ किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। मदर ब्यूला क्रिश्चियन स्कूल की तरफ से, वहाँ की प्रिंसिपल, मैनेजर, टीचर्स और बच्चों की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। कि अगर हम स्वतंत्र हैं, हमको अधिकार बहुत मिले हैं, उसके हिसाब से हमको अपने देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है उसको भी समझना चाहिए। अब जैसे इस समय सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया सफाई के लिए, सब लोग मिल के अपने देश, अपना गांव, अपना समाज, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम जनपद के समस्त शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, कर्मचारियों को शुभकामना देते हुए उनसे अपील करते हैं कि वह भारत की एकता अखंडता के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने हेतु सदैव तैयार रहें। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं अपने विद्यालय इंटरनेशनल पब्लिक की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, प्रिंसिपल एवं मैनेजर की तरफ से गार्जियन, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं देशवासियों से और साथ साथ अपने गार्जियन, पेरेंट्स, बच्चों से यही निवेदन करते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब समझें, कोई भी कार्य दिया जाए उसको ईमानदारी से करें और राष्ट्रहित में करें, देश के विकास के लिए हमेशा कार्यरत रहें। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं अपने नगरवासियों, अपने सभी शिक्षण संस्थाओं के सभी शिक्षक बंधुओं सबको मैं शुभकामना देता हूँ, और उन शहीदों को जो हमारे देश के लिए अपने आप को कुर्बान हो गए उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और चाहूंगा कि हमारे सभी देशवासी जो भी हों, शिक्षण संस्था में हों चाहे किसी भी संस्था में हों, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करनी।
आजादी मिले 70 साल हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुछ ख्वाब पूरे हुए तो कुछ आज भी अधूरे हैं। देश का हर व्यक्ति शिक्षित हो, समृद्ध हो, आपसी प्रेम व भाईचारा बढ़े, अभी यह सब बाकी है। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना होगा। देश के 71वें स्वतंत्रता दिवस पर यह नारा भी गूंजा। यह पहल की शहर के सिधारी स्थित SN कॉन्वेंट स्कूल के छात्र छात्राओं ने। बच्चों ने आकर्षक झांकी निकाली जिसमें भारत माता भव्य श्रृंगार के साथ विराजमान थी तो जय जवान जय किसान का नारा भी था। शिक्षित भारत और स्वच्छ भारत का संकल्प दोहराया गया और इसमें समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी का आह्वान किया गया। स्कूल के प्रबंधक आनंद प्रकाश तिवारी ने पूरे समाज का आह्वान किया कि आइए शिक्षित व स्वच्छ भारत का निर्माण करें, तभी देश खुशहाल हो सकेगा। इसी क्रम में रैदोपुर स्थित JS City मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर देश के भीतर आपसी प्रेम व भाईचारा बढ़ाने का संदेश दिया। छात्र छात्राओं ने कहा कि आज छोटी छोटी बातों में न उलझकर देश की एकता व अखंडता में प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देना होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर भारत रक्षा दल परिवार नगर वासियों को जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता है और सबसे अनुरोध भी करता है कि इन शहीदों के नाम जिन्होंने जो महापुरुष शहीद हुए उनके उनको नमन करते हुए शाम को अपने घर पे घी की दिया अवश्य जलाएं। प्रवासी नगर वासियों को भारत रक्षा दल के परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं अपने देशवासियों, जनपद वासियों, समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को इस रूप में रखें कि हम लोग देश की सेवा करने में सदैव तत्पर रहें। भारत के जिन वीर सपूतों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानी कर अपना जान देकर आजादी दी है उन सब के प्रति मैं नमन करता हूं। हम उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद आजमगढ़ के तरफ से जनपद वासियों को, राजस्व परिवार के सभी लेखपाल साथियों को, राजस्व परिवार के सभी अधिकारीगण को, जनपद वासियों को हम हार्दिक शुभकामना स्वतंत्रता दिवस का अपने तरफ से दे रहे हैं। साथ ही साथ अपने संवर्ग के हम सभी साथियों से अपेक्षा करते हैं कि हमारा विशेष रूप से लेखपाल संवर्ग अपने नैतिक उत्थान के बारे में सोचे, जनता की सेवा के बारे में सोचे। सही मायने में यही हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना रहेगा। अपने देश की आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनको सुमन अर्पित करते हुए अपने जनपद वासियों और अपने संगठन के होमगार्ड जवानों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देना चाहता हूं और हम लोग अपने जवानों से अपील है कि हम लोग देश के रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।